लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर भिलाई कन्या महाविद्यालय में महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित कर सशक्ति वेन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं का शहर विधायक व महापौर के हाथों सम्मान हुआ। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित समारोह में बुधवार को भिलाई महिला विद्यालय सेक्टर 9 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये संस्था युवा एवं महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा बाल विकास के कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है, जिसका संचालन भारत के 21 राज्यों में किया जा रहा है। मास्टर कार्ड के सहयोग से वर्ष 2020-21 में भारत के 7 राज्यों में डिजिटल साक्षरता एवं वित्तीय साक्षरता का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग भिलाई से शुरुआत यहां की गई, जिसमें स्व सहायता समूह लघु उद्यमी महिलाओं एवं घरेलू महिलाओं को डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल व अन्य ऐप के माध्यम से व्यवसाय को आगे बढ़ाने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं लोन की जानकारी, भारत के 7 राज्यों में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विधिवत उद्घाटन अवसर पर पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद की उपस्थिति में किया गया। इस योजना से उद्यमी महिलाओं को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से फीता काट का उद्घाटन किया गया, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस संबंध में शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लर्निंग लिंक्स मास्टर कार्ड जो फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में जो प्रशिक्षण दिया गया डिजिटल, ये बहुत ही सफल रहा है। लगभग 1377 हमारी बहनों ने इसमें हिस्सा लिया और 1047 ने पूरी तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त कर ली। पंजीकृत कराई थी 1377 और ट्रेनिंग लिया है लगभग 1047। तो ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। आज महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, जिसमें हमारी बहनों की बराबर की हिस्सेदारी है, भागीदारी है और बहुत सफलतापूर्वक उस कार्य का निष्पादन वे कर रही है। हमने यहाँ पर आकर देखा, हमारी सारी बहनें प्रशिक्षित हुई है और अब अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही है व्यवसाय के क्षेत्र में। वो आत्मनिर्भर बनेगी, अपने परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। मैं हमारे अध्यक्ष जी का हृदय से आभार मानता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने 7 दिन तक ये भिलाई महिला महाविद्यालय में प्रशिक्षण का रखा और महिलाओं को शक्ति सशक्तिकरण बनाने की दिशा में ये कदम उन्होंने उठाया। सो लर्निंग लिंक फाउंडेशन जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, जो पिछले 20 साल से हमारे देश में काम कर रही है शिक्षा और रोजगार की जगत पे, उन्होंने मास्टर कार्ड जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट कंपनी है, जिसका खुद उद्देश्य जो है हमारे डिजिटल एम्पावरमेंट और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, और वो भी कई सालों से इस क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही। तो हमने एक साथ मिल के एक नया प्रोग्राम बनाया जिसका नाम हमने सशक्ति रखा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम वो महिलाएं जो या तो पहले से बिज़नेस कर रही हैं लेकिन अपने बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, या वो महिलाएं जो बिज़नेस करना चाहती हैं लेकिन उनके पास ऐसा माध्यम नहीं है, ऐसा ज़रिया नहीं है, ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएँ, ऐसी महिलाओं को सबसे पहले तो हम 3 तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम उनको सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की, फिर डिजिटल लिटरेसी की और तीसरा उनको एंटरप्रेन्योरशिप की, बिज़नेस कैसे किया जा सकता है, बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका पूरा हम प्रशिक्षण करते हैं। उसके बाद फिर जब ये प्रशिक्षित हो जाती हैं तो हम उनको उनका खुद का बिज़नेस प्लान, एक पूरा खाका, एक पूरा स्ट्रक्चर कि बिज़नेस को क्या कैसे आगे बढ़ाया, जब पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस बिज़नेस प्लान में हम उस बिज़नेस प्लान को एक पूरी कमेटी से इवेल्युएट कराते हैं, और उस कमेटी के इवेल्युएशन के बाद जिन जिन महिलाओं को अच्छा ग्रेड मिला होता है, जिनका जो सेलेक्ट होते हैं, उनको हम 5,000 की एक राशि भी देते हैं जिससे वो अपना बिज़नेस शुरू कर पाए, और इसके बाद फिर हम उनको आगे बिज़नेस कैसे किया जाए उसमें भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, यानी उनको पूरा जब तक वो बिज़नेस आगे अपना स्टार्ट ना कर लें, रन ना कर लें, तब तक हम बिज़नेस कराते हैं। आज जो हम यहाँ काम कर रहे हैं उसी में क्या है कि हमने एक CSE के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें एक सशक्ति वैन, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, हमने एक सशक्ति वैन को निकाला जिसमें
सीएससी के वीएलई और उनके जो नेटवर्क है उनके जरिए उन्हीं महिलाओं को, जिन महिलाओं को हम इस पर प्रशिक्षण देना चाहते हैं, उन तक हम पहुँचेंगे। और इस वैन के द्वारा, इसमें एक पूरा हम इक्विपमेंट हमने लगा रखा है, लैपटॉप है, पूरा साउंड सिस्टम है, जिसके द्वारा उन महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और वो लैपटॉप को यूज़ करके खुद भी डिजिटल साक्षरता इसके माध्यम से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और ये गली गली गांव गांव घूमेगा इस भिलाई और रायपुर के एरिया में और महिलाओं को सशक्तिकरण करता रहेगा, उनको डिजिटल साक्षरता और फाइनेंशियल लिटरेसी देगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।